हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 4 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक। आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक पद, गुणनखंड और गुणांक होते हैं। आइए इसे समझते हैं। बीजीय व्यंजक एक या एक से अधिक पद होते हैं। बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होता है। तो देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो पद दिए जाते हैं, जो उसके अंदर पद होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। बीजीय व्यंजक में जो पद दिए जाते हैं, जैसे 4x 3x, ये क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। बीजीय व्यंजक में पद जो पद दिए गए हैं वो जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। एक पद में एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। अभी इसे समझेंगे बेटा यहाँ पे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। पद के गुणनखंड को उसी पद के द्वारा दूसरे गुणनखंड को गुणांक कहते हैं। तो पद के जो गुणनखंड हैं उसको उसी पद के द्वारा गुणनखंड करने को हम गुणांक कहते हैं। अभी बेटा ये सब को जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, बीजीय व्यंजक में क्या है, पदों का समूह है, ठीक है, और पदों का गुणनखंड क्या है, चर और अचर राशि को अलग करना। देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए पदों को बीजीय व्यंजक लिखिए। हमें इनका क्या करना है, बीजीय व्यंजक लिखना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे बेटा। देखो ये बीजीय व्यंजक बना है, हमें यहाँ पे पद दिए गए हैं, तो इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा, 5xy + 7zx + 8lk - 10। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड, बी का। देखिए देखो बहुत आसान है बेटा, इन सब के आगे बस प्लस और माइनस लगा देना, जैसा कि नंबर है। जैसे कि 8mn + 7ab - 6gf - 5, तो ये हो जाएगा इसका बीजीय व्यंजक। सी में देखते हैं, सी में क्या दिया गया, 7pr, जो प्लस और माइनस का मार्क है हम वही लगाएंगे, +5lm + 2gh + 6x। तो ये इसका, ये देखो यहाँ पे पद दिए गए हैं, PXLM, ये क्या है, पद है। इनमें जमा और घटा लगाकर हम क्या बना सकते हैं, बीजीय व्यंजक। तो हमने देखो बनाया है बीजीय व्यंजक, हमने क्या किया, इनके आगे जिसके आगे माइनस था वो माइनस लगाया, जिसके आगे कोई मार्क नहीं था उसके आगे प्लस लगाकर हमने बीजीय व्यंजक बनाया है। तो अब आपको यहाँ से जब लिखा था तो वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं बेटा आगे क्या किया जाएगा। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक 4xy + 5x + 6 को हम किस तरह से इसके पद निकाल सकते हैं, इसके द्वितीय पद और तृतीय पद को किस तरह हम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट देखो क्या दिया गया, 4xy में देखिए क्या है, प्रथम पद में देखिए क्या है, इसके गुणांक किस तरह लिखेंगे, पहले हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1, 2, 4, ठीक है, और x और y, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड में क्या करते हैं उसको, जिस भी नंबर में वो नंबर आता है वो हम इसका गुणनखंड मानते हैं, ठीक है। तो इसमें 1, 2, 4, xy इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका चर भाग क्या हो जाएगा, अचर भाग कौन सा हो जाएगा, 4 इसका अचर भाग हो जाएगा और xy इसके चर भाग हो जाएंगे। ये हुआ प्रथम पद। और द्वितीय पद देखो -xy, तो -xy का द्वितीय पद में देखो तो क्या होगा, 1, 5 इसका गुणनखंड होगा, 5, 1 और x इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, और इसका अचर भाग क्या हो जाएगा, -5, और चर भाग क्या हो जाएगा इसका, x, चर भाग क्या हो जाएगा इसका, x। यहाँ पे हम -1 भी इसमें ऐड कर सकते हैं गुणनखंड में ना, ठीक है। उसके बाद तृतीय पद देखो +6, तो इसमें क्या होगा, किस किस टेबल में आता है 6 के गुणनखंड, आपको पता होगा, 1, 2, 3 और 6, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, और इसका चर भाग क्या, अचर भाग क्या हो गया, 6। तो देखो किस तरह से निकालते हैं गुणांक, किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर दिया है 4xy, इसके गुणनखंड 4xy इसके गुणनखंड हो गए। 4 का गुणांक क्या हो गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 4xy आएगा, तो 4 को जब हम xy से गुणनखंड करेंगे तो 4xy आ जाएगा। अब xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4। जब xy को हम 4 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 4xy। इसी तरह x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4y, और y का गुणनखंड xy। मतलब सभी नंबर को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वो नंबर यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए द्वितीय गुणनखंड, पहले ये देखते हैं कि द्वितीय गुणनखंड निकालते हैं। देखो -5x, तो पद के गुणनखंड क्या होंगे, इसके क्या हो जाएंगे, 5x और -1 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 5 को हम x और -1 से गुणा करेंगे तब भी हमारा ये आंसर आएगा। x को हम किससे करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और -1 से गुना करेंगे तब भी ये आंसर आ सकता है। इसके अलावा 5 को किससे गुना करेंगे, -x से गुना करेंगे तब भी ये आंसर आ सकता है। तो ये है गुणनखंड। गुणनखंड जैसे हम हमारे नॉर्मल जो मैथ्स में गुणनखंड निकालते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे भी, इसमें भी, अलजेब्रा में भी इसी तरह से गुणनखंड निकालना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सोल्व।
ये थोड़ा ध्यान से करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है पर ध्यान से करते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट क्या है, निम्न पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करने। तो गुणनखंड देखो पहले हम 12 का देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और इसके अलावा x और y, ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये y है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 10, 20 और a और b, ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 17, क्योंकि 17 और किसी टेबल में ही नहीं आता, और h और g, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लाइन लगा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो इस तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया, 50। तो हम निकालते हैं 50 का। देखो 50 में क्या हो जाएगा, देखो 50 का यहाँ पे निकालते हैं, 50 में क्या होगा, 1, 2, 5, 10, 50, इसके अलावा एक्स, वी और जेड, ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम 40 का, अब हम किसका निकालते हैं, अब हम यहाँ निकालते हैं 40 का, -40 का। तो पहले -1, 1, ठीक है, इसके अलावा 2, 4, 10, 20, ठीक है, इसके अलावा किसमें आएगा, ये 40 और m और n, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से बेटा, थोड़ा समझ के करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हमने देखा 12 का, 20 का, 17 का, 50 का और -40 का, तो ये थे इसके गुणनखंड। अब हम आगे देखते हैं ध्यान से बेटा, इनको तसल्ली से आप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए अच्छा हम इस तरह से रख लेना था ना, तो ईजी हो जाता, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे बेटा, कहाँ तक कर चुके हैं हम कर चुके हैं 40 तक, ठीक है। देखो उसके बाद हम देखते हैं 24 का क्या होगा। देखो 1, इसका आंसर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, इसके अलावा 24, ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके अलावा x एंड y, ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह 15 का देखते हैं, 1, 3, 5, 15, f, g और h, हर के बीच में कोमा लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा तसल्ली से, थोड़ा अच्छे से आप करेंगे तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या क्या आ गया, दिए गए पदों को अचर भाग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिए गए हैं इनके अचर भाग को ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं, देखो क्या है अचर भाग, इसके अचर भाग कौन से होते हैं जो क्या है, फिक्स है, है ना। तो इसका अचर भाग क्या होगा, 23। इसका अचर भाग, एक से माइनस नहीं है बेटा ये, इसका अचर भाग क्या हो जाएगा, 23। इसका 12, इसका हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका 79, देखो अचर भाग कौन से हैं जो फिक्स रहेंगे, 9, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 72, ये इसके क्या हो जाएंगे, अचर भाग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चर भाग निकालने हैं, तो चर भाग कौन से होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, तो ए, एस और डी, ये क्या हो जाएंगे, इसके अचर भाग। यहाँ पे एम और एन, ये क्या हो जाएगा, इसका अचर भाग। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू, ये क्या हो जाएगा, अचर भाग, ठीक है। ये माइनस नहीं, इसका ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर देखो एफ, जी और एच, ये क्या हो जाएंगे, इसके अचर भाग। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जे और के, ये इसके अचर भाग हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक्स, वाई, जेड, ये क्या हो जाएंगे, अचर भाग। और इसके अंदर पी, क्यू और आर, ये इसके क्या हो जाएंगे, चर भाग। सॉरी, ये क्या है, चर भाग है और ये क्या है बेटा, अचर भाग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएंगे, अचर भाग हो जाएंगे और वो क्या है, इसके चर भाग, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को करेंगे और अपनी जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अचर भाग और यहाँ पे है चर भाग, तो यहाँ पे हमें चर भाग लगाने और यहाँ पे हमें अचर भाग लगाने, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।